नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुज सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसका नाम है डीजर क्लासेज। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर दोस्तों अपने पिछला चैप्टर जो कवर किया है वो एनालॉजी कवर किया है। दोस्तों, आज कवर करने वाले हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उसी से रिलेटेड, रीजनिंग से, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम आपका रेलवे का हो, चाहे वो एग्जाम आपका बैंक का एग्जाम हो। दोस्तों, सभी एग्जाम में लगभग ये टॉपिक्स हर एक एग्जाम के अंदर रीजनिंग टॉपिक रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो पिछला जो अपना चैप्टर था वो एनालॉजी था। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेज अभी तक जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए। और ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर उन्होंने अभी तक मेरी एनालॉजी की क्लास नहीं देखी है तो वो भी प्लीज़ एनालॉजी की क्लास को जरूर जाके विजिट करिएगा। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं एनालॉजी से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता टॉपिक है आज का अपना रहने वाला है, जिसका नाम होगा अपना क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने एनालॉजी सीखी है या सीखने की कोशिश करी है उसी प्रकार आज क्लासिफिकेशन को खत्म करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर आपको कोई चार वर्ड्स दिए जाएंगे। क्लासिफिकेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, और इसका दूसरा नाम होता है वर्ड एंड आउट। दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है वर्ड एंड आउट, इसका दूसरा नाम होता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। तो ये थी क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। और अगर आप कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी और तैयारी को बनाना चाहते हैं और बेहतरीन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आप डीजीसर क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको डीजीसर क्लासेज डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर पर जाना है। स्टोर पर जाकर आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है साथियों। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से होगा क्या साथियों, टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आपको इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी सारी क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अपन क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत किसी मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना, वो क्या रहने वाला है दोस्तों, आपकी हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, आपकी हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप उसे तहे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, या अपनी हार को आप स्वीकार कर लेते हैं तब आपकी वास्तविक हार मानी जाती है साथियों। तो आपको एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हार कभी नहीं मारना है। जहां तक आप एलिजिबल हैं वहां तक आप एग्जाम दीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, जो नया चैप्टर रहने वाला है, वो होगा अपना क्लासिफिकेशन। क्या होगा, क्लासिफिकेशन दोस्तों, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण, वर्गीकरण इसको बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दोस्तों, इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है वर्ड एंड आउट। क्या बोला जाता है, वर्ड एंड आउट का मतलब है विषम को चुनो और बाहर निकालो, विषम को चुनो और बाहर निकालो। दोस्तों, वही एनालॉजी की तरह इसमें भी तीन पार्ट होंगे अपने। फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है अपना, दैट इज जनरल साइंस से रहने वाला है, एनवायरमेंट से रहने वाला है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या किसी भी वर्ड से रिगार्डिंग अपने पास प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। उसके बाद जो पार्ट भी रहने वाला है इसका, वही नंबर पार्ट रहने वाला है, और पार्ट से रहने वाला है अपना अल्फाबेट पार्ट रहने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले आप डाल लीजिए पार्ट ए। पार्ट ए अपन पढ़ने वाले हैं, और पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर वन है अपना, क्वेश्चन नंबर वन है, इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या है अपना, जैसे कि आपको दिया गया कोई चार ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और उन चार क्वेश्चन को देके एक अपने को अलग देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। ए ऑप्शन है आपका कत्ल, बी ऑप्शन है आपका अपहरण, सी ऑप्शन है आपका वध, और डी ऑप्शन है आपका हत्या।
दोस्तों आपको जो मैं बता दूं क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन पार्ट ए में अपन ने स्टार्ट करा है वो है अपना कत्ल है, अपहरण है, वध है और हत्या है। ये चार शब्द आपको दिए गए हैं। इन चार शब्दों में से एक आपको विषम जो आपको दिख रहा है वो सिलेक्ट करना है। कत्ल है किसी को मारने की बात हो रही है, वध है किसी को मारने की बात हो रही है, हत्या भी शब्द ऐसा है किसी को मारने की बात की जा रही है, लेकिन अपहरण में क्या किसी मारने की बात की जा रही है क्या? नहीं। तो अपना जो अलग शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपहरण। तो इस वाले क्वेश्चन का जो अपना आंसर रहने वाला है वो क्या आंसर रहने वाला है साथियों? वो होगा अपना अपहरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दो, ए ऑप्शन है अपना विधायक, बी ऑप्शन है अपना मेयर, सी ऑप्शन है अपना वकील और डी ऑप्शन है अपना मुख्यमंत्री। डी ऑप्शन क्या है अपना? मुख्यमंत्री अपना क्या है? डी ऑप्शन है। तो देखिए आप, विधायक, मेयर, वकील और मुख्यमंत्री, इन चारों शब्दों में से कौन सा अलग होगा? इन चारों शब्दों में से जो अपना अलग रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? आप ध्यान दीजिएगा, विधायक। दोस्तों विधायक ऐसा व्यक्ति है जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। मेयर भी ऐसा व्यक्ति है जो क्या होता है? इलेक्टेड होता है, जनता इसको चुनती है। मुख्यमंत्री भी क्या है दोस्तों? ऐसा व्यक्ति है जिसको जनता चुन के वहां पहुंचाती है। लेकिन वकील क्या है? जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं है। तो इसमें जो अलग होगा अपना वो क्या होगा? वकील। इसका आंसर क्या होगा? वकील। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अपना निकल के आ रहा है वो क्या है? बछड़ा, मेमना, शावक और डी ऑप्शन है मुर्गी। ये चार शब्द आपको दिए गए हैं साथियों, बछड़ा, मेमना, शावक एंड मुर्गी। ये चारों शब्द आपको दिए गए हैं, आपको देखना है कि इन चारों में से अलग कौन सा होगा। बछड़ा किसी का बच्चा है, गाय का बच्चा है, मेमना बकरी का बच्चा है, शावक शेर का बच्चा है, मुर्गी मुर्गी क्या अपने आप में बच्चा थोड़ी है दोस्तों? मुर्गी तो अपने आप में एक वेल डेवलप्ड बर्ड है। तो यहाँ पर मुर्गी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इन सभी से जो अलग है वो कौन सा है? मुर्गी है। क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार जो निकल के आ रहा है आपके पास, क्या निकल के आ रहा है? कांसे, सोना, पीतल, और इस्पात। दोस्तों ये चार शब्द हैं आपके पास, इन चारों शब्दों में से आपको जो अलग है वो आपको अलग करना है। जो आपको अलग दिखाई दे रहा है बिल्कुल इन चारों में से, उनको आपको छांटना है। तो देखेगा कौन सा क्वेश्चन अपना या कौन सा ऑप्शन अपना इसमें सही हो सकता है। कान से, कान से देखो, कान से क्या है? मिश्र धातु है, दो धातुओं के योग से बनाई जाती है, दैट इज सी यू प्लस एस एन से आपका इसको बनाया जाता है, कॉपर और टिन से इसको बनाया जाता है। सोना, सोना क्या है दोस्तों? प्योर मेटल है, इसमें किसी धातु को मिक्स नहीं किया गया है। पीतल, पीतल भी कॉपर और जिंक से बनाई जाती है, तांबा और जिंक से बनाया जाता है। इस्पात, इस्पात भी आपका क्या है दोस्तों? कार्बन प्लस अपना जो आयरन है उससे मिलकर क्या बनता है? अपना इस्पात बनता है। तो यहाँ पर जो अलग होगा अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा? सोना होगा। यानी सोना ऐसी प्योर मेटल है, मिक्स मेटल नहीं है। मिक्स मेटल कान से है, पीतल है, इस्पात है। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा कौन सा अलग हो जाएगा? सोना अलग हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन को चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या फिर चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन
पार्ट ए के अंदर अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है अपना पार्ट ए चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ए ऑप्शन है अपना मई, बी ऑप्शन है अपना जुलाई, सी ऑप्शन है अपना दिसंबर और डी ऑप्शन है अपना जून। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको बिल्कुल अलग नजर आ रहा हो उसको आपको क्या करना है, छांटना है। तो देखिए क्या अलग लग रहा है, मई मंथ है, मई आपका मंथ है जो कितने डेज का होता है, 31 डेज का होता है साथियों। जुलाई भी 31 डेज का होता है, दिसंबर भी 31 डेज का होता है, लेकिन जून अपना ऐसा मंथ है जो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जब दून 30 दिन का होता है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा जून। जून अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। ए ऑप्शन है समांतर, बी ऑप्शन है न्यून, सी ऑप्शन है अधिक और डी ऑप्शन है समकोण। देखो इन चारों में से कौन सा अलग होगा, इन चारों ऑप्शन में से अपना कौन सा अलग होने वाला है, आप देखिए इसका आंसर करिए क्या आंसर आपका आ सकता है, समांतर न्यून अधिक समकोण। दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में जो बात की गई है उनके एंगल की बात की गई है, बी सी डी ऑप्शन में क्या की गई है, उनके एंगल की बात की गई है, लेकिन ए ऑप्शन ऐसा अपना ए ऑप्शन है जिसमें दो लाइंस की बात की गई है समांतर, दैट इज दो लाइन अपनी क्या है समांतर हो, समांतर तो अपने आप में अलग है, यहाँ पर ये तीनों कोण के लिए कर रहा है, ये लाइन्स के लिए बात कर रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ए, ए अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना जैसे कि ए ऑप्शन है कौआ, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है चिड़िया और डी ऑप्शन है चमगादड़। डी ऑप्शन क्या है साथियों, चमगादड़। तो इन चारों में से ऑड वन आउट आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। कबूतर क्या है अपना ए बीज में काउंट होता है, कौआ भी ए बीज में काउंट होता है, चिड़िया भी ए बीज जो मैं बोल रहा हूँ ए बीज क्लास में उनको रखा जाता है जो उड़ सकते हैं पक्षी, लेकिन चमगादड़ भी तो उड़ सकती है। ये सारे ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, ये लेकिन चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे देता है, अंडे नहीं देता, इसलिए इनको एबीज में, लेकिन इसको किस में, मैमल्स में काउंट किया जाता है, ये अपने बच्चों को क्या कहे दूध पिलाती है चमगादड़, और उड़ती भी है, तो इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा, चमगादड़ अपना बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटीमीटर मिलीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर है मिलीमीटर है और ग्राम है, और यहां देखिए लैक्टोमीटर, या आप लिख लीजिए इसके लिए डेसीमीटर,
चलिएगा, इन चारों में से आपको ओड एंड आउट सेलेक्ट करना है। कौन सा ओड एंड आउट है अपना? पहला है सेंटीमीटर, लेंथ मेजर की जाएगी, मिलीमीटर, लेंथ मेजर की जाएगी, ग्राम, डेसीमीटर, इससे भी लेंथ मेजर की जाएगी। लेकिन ग्राम क्या है? ये ग्राम जो यूज आता है दोस्तों, ये यूनिट है अपनी मास की, यूनिट है किसकी? है मास की, यानी इससे मास मेजर किया जाएगा। लेकिन डी बी ए, इन तीनों से जो मेजर किया जाएगा साथियों, वो आपका मेजर किया जाएगा लेंथ, लेंथ इनसे मेजर की जाएगी। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ग्राम आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसकी नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, पार्ट ए में। पार्ट ए के अंदर अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है अपना, स्याही। कार्यालय कलम और कागज, स्याही कार्यालय कलम और कागज, इन चारों में से कौन सा अलग रहने वाला है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग रहने वाला है। चलो बताइए आप, स्याही कार्यालय कलम और कागज कौन सा अलग हो सकता है? आप देख रहे होंगे साथियों, स्याही भी आपका स्टेशनरी आइटम है, कलम भी आपका, कलम यानी कि पेन, आपका पेन भी क्या है साथियों? स्टेशनरी आइटम है। कागज भी क्या है? स्टेशनरी आइटम है। लेकिन कार्यालय क्या है? आपका स्टेशनरी आइटम नहीं है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, कलम बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है अपनी, आरी लकड़ी, बी ऑप्शन है आपका, पेन कागज, पेन कागज, चौक, श्यामपट, और डी है आपका लेखक किताब। ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको जो सेलेक्ट करना है वो देखना है कि कौन सा आपका सही हो सकता है। आरी लकड़ी, चौक श्यामपट, पेन कागज, लेखक किताब, इन चारों में से कौन सा अलग होगा? देखे साथ कौन सा अलग रहने वाला है अपना। इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्यों होगा? देखो, पेन का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम होता है। कागज, पेन का काम क्या होता है? कागज पर लिखने का काम होता है। लेखक का काम क्या? किताब लिखने का काम। चौक का काम क्या? ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम। लेकिन आरी का काम क्या लकड़ी के ऊपर ही होता है क्या? आरी का काम सभी के ऊपर होता है दोस्तों। आरी का काम आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी काटने के लिए। तो इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट ए। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी इसका कवर करने वाले हैं, और पार्ट बी में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो देखो कि क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका साथियों, ए ऑप्शन है आपका 428, बी ऑप्शन है आपका 338, सी ऑप्शन है आपका 339, और डी ऑप्शन है आपका 326। साथियों आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है, 326, 428
या फिर 338 या फिर 339, कौन सा आपका अलग रहने वाला है। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कंसेप्ट जो लग रहा है साथियों, आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ओड एन इवन को देखें, उसके बाद उनके सम देखें, फिर उनका डिफरेंस देखें, फिर डिवाइड देखें, फिर मल्टीप्लाई देखिए। इन चारों से ही आप उनको कर सकते हैं, यही तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। तो पहला तरीका देखते हैं, 8 कैसे आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, 4 2 जा 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आना चाहिए, जबकि नहीं आ रहा। 3 3 जा 9 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, और 3 2 जा 6 भी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, अगला है 37 120, सी है 50 और डी है अपना 145। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको देखिए कैसे हो सकता है, ये 37 है, कैसे करेंगे इसको, कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, आप देखो स्क्वायर के आसपास जाओ, कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास जाओ। तो पहले जो संख्या है 37, इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन आपका 120 ऐसी है जो आपका 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, प्लस 1 नहीं है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 माइनस 1, सभी में क्या हो रहा है प्लस 1, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 751, बी ऑप्शन है अपना 734, सी ऑप्शन है 853 और डी ऑप्शन देखिए क्या है अपना, डी ऑप्शन है अपना 981। इन चारों में से जो आपको अलग हो वो देखना है कि कौन सा अलग है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले तो ओड एन देख लीजिए, ये भी ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये वन है, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो रहा होगा। तो और देखिए और क्या आंसर हो सकता है अपना, 7 + 5 = 12 और एक 13 हो रहा है, 10 = 14 हो रहा है, ये तो सम भी इनका नहीं बन रहा, तो कैसे आ रहा होगा ये देखो। 7 में से 3 माइनस किया 4 आया, 8 में से 5 माइनस किया 3 आया, 9 में से 8 माइनस किया 1 आया, लेकिन यहाँ देखो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, जबकि आ कितना रहा है 1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला। ये उस वाले का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका सटीक आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ए ऑप्शन है 866, बी ऑप्शन है 14197, 15226 और डी है अपना 257। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको देखना है कि क्या हो रहा होगा, आपने क्या आंसर आ रहा होगा। देखो इसका क्या आंसर आएगा, स्क्वायर देखो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 है, 196 प्लस 1 है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 है, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 1 है, लेकिन इसको देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, तो अलग कौन सा है, ये वाला पहला अपना सही आंसर है। दूसरा देखिए,
718 इसको देखिए कौन सा आंसर आ रहा होगा। करिए साथी इसको करिए। कैसे करेंगे इसको देखो 718 926 1342 1136 कैसे करना है। 7 से 18 लाना है अपने को तो डिफरेंस देख लो और तो क्या 11 का डिफरेंस है यहाँ पे तो 17 का डिफरेंस है यहाँ पे देखो ज़्यादा ही डिफरेंस हो रहा है तो ये वाला तो नहीं लगेगा मेथड ये वाला मेथड नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा सर फिर देखेंगे इसमें कोई दूसरा मेथड देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। देखो 18 है अगर इसका 4 टाइम्स करके माइनस 10 कर दूं 4 टाइम्स करके माइनस 10 कर दूं तो मुझे 18 मिल रहा है 4 टाइम्स करके माइनस 10 कर दूं तो मुझे 26 मिल रहा है 4 टाइम माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 10 कर दूं तो 42 मिल रहा है लेकिन इसमें 4 टाइम माइनस 10 करूंगा तो 34 आना चाहिए। कितना आना चाहिए साथियों 34 आना चाहिए लेकिन आ कितना रहा है अपना 36 तो अलग कौन सा हो जाएगा ये वाला। इसमें तरीका कौन सा लगा है मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 इसमें तरीका लग रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजी सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है अपना क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट और डी ऑप्शन ले लीजिए। देखिए क्या हो रहा है इनमें को 44 कीजिए साथी देखो कैसे करना है इसको ए 18 44 16 40 14 28 18 20 देखो कौन सा अलग होगा इसमें से अलग जो होगा अपना देखो कौन सा अलग हो सकता है 18 14 into 2 minus plus 8 into 2 plus 8 into 2 plus 8 into 2 plus 4 plus 8 इसको आप 24 ही रहने दीजिए 24 है। इसमें देखिए ये क्या हो गया इंटू टू तो अलग कौन सा हो गया अपना अपना अलग हो गया है सी वाला। तो आपने देखा पार्ट बी के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं पार्ट बी आपने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों इसका पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर वही आपसे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे और उन अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। पार्ट
इसका चल रहा है अपना सी, पार्ट सी चलेगा अब। और पार्ट सी के अंदर पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पार्ट सी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं साथ के साथ आपसे, चलो इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। बी एस ई वी डी एक्स आई जेड, इन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट आना चाहिए साथियों। 2 और 19, 5 और 22, 4 और 24 और 9 और 26। देखिए कितना प्लस 17 प्लस, कितना प्लस 17 प्लस, कितना प्लस 17 प्लस, लेकिन इसके अंदर देखिए कितना हो रहा है 20 प्लस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, एक्स डब्ल्यू एफ जी, एक्स डब्ल्यू एफ जी एम एल पी ओ, एम एल और पी ओ, वही वैसे ही करना है आपको। क्या करना है? 24, 23, 6 और 7, 13 और 12, 16 और 15। आप खुद बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला। क्यों? इधर तो डिक्रीजिंग है, माइनस वन है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? प्लस वन हो रहा है, इसलिए दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ए ऑप्शन है अपना एम आई जी ई, ए ऑप्शन है एम आई जी ई, दूसरा ऑप्शन है एक्स टी क्यू ओ, एक्स टी क्यू ओ, सी ऑप्शन है अपना आर एन के आई, और डी ऑप्शन है अपना एच डी ए वाई। चलिएगा इनके अंदर आपको क्या करना है? आंसर्स निकालने हैं कि किस प्रकार इनके आंसर्स निकाले जाएंगे। वही आपको इनके क्या लिखने पड़ेंगे साथियों? अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे, अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे। तो ये 13, ये 9, ये 7 और ये 5। यहाँ से देखिए 24, 20, 17 और ये है 15, ये 18, ये है 14, ये है 11 और ये है 25, और ये है 8, ये है 4, ये है 1 और ये है 25। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे? पहले और दूसरे में माइनस फोर का डिफरेंस है, इसमें भी माइनस टू का डिफरेंस है, माइनस फोर और माइनस टू, माइनस फोर, और इसमें अगर आप के से वाई पे जाएंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। माइनस फोर तो है लेकिन यहाँ तो कितने का डिफरेंस है? प्लस 14 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए माइनस फोर और माइनस टू का है, ऐसे वहाँ पर वाई पे आएंगे तो माइनस टू का है। माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर और प्लस के 14, तो आंसर कौन सा होगा? अलग जो दिख रहा है आपको इसके अंदर, अलग जो दिख रहा है ये वाला हो जाएगा। कौन सा? आर एन के वाई, ये अपना क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। सिंगल लेटर्स हैं, डबल लेटर्स हैं, ट्रिपल लेटर्स हैं, या फोर लेटर्स या फाइव लेटर्स है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन अपना पूछा जा सकता है इसमें, वुडन आउट में या क्लासिफिकेशन के अंदर, वो आपको आना चाहिए। जैसे कि फिफ्थ वाला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आई के क्यू, सी ऑप्शन है ए जी ओ यू, ए जी ओ यू। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। वही 4 है, 9 है, 11 है और क्यू कितने पे? 17 है, 1 है, 7 है और 15 है और 21 है। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस? प्लस 5 का। इसमें कितने का? 6 का। इसमें कितने का? 6 का। इसमें कितने का? 6 का। तो सही आंसर ए वाला, ए वाला क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे, देखिए पता लगाइए। और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें से, पीओटी होल्ड्स ये क्वेश्चन है साथियों, ये आपसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसको आपको करना है कि आप इसको कैसे करेंगे। इसको आपको कैसे बना सकते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा। सबसे पहले तो वही लेटर लिखिए, 16, 15, 20, कुछ नहीं होना, तीन लेटर है, फिर पांच लेटर हो गए, अलग कौन सा होगा। मैं देख रहा हूँ 8 है, 15 है, 12 है, 4 है, 19 है, यहाँ देखिए 20 है, 1 है, 2 है, 12, 5, 22, 5 और 12, ये क्या हो रहा है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस प्रकार से इनको करना होगा। अगर पोर्ट को मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, देख लेना, अगर पोर्ट का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो क्या बन रहा है, टॉप बन रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। इसको देखिए BAT, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। LEVEL, इसको उल्टा करने पर वही बन रहा है, लेकिन SDLOH, इसको उल्टा करने पर कोई भी अपना क्या हो रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। जब भी आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए साथियों, तीन तीन लेटर हो, फिर पांच आ जाए, फिर छह आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उनके ऑर्डर चेंज करके उनको एक बार देखेंगे, उनको प्रूव करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे और पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है साथियों, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। आप कंजूसी बहुत करते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ आप लाइक क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक बात और, अगर आपने अभी तक डिजिटल क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाकर डिजिटल क्लासेस ऐप कोटा को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ से स्टोर पर जाना है, स्टोर पर जाने के बाद आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आप मेरे से पूछेंगे सर होगा क्या, इससे तो आपको ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा मेरा कुछ नहीं है, आप चाहे नहीं भी करेंगे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और कर भी लेंगे तो मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसमें फ़ायदा आपका ही है। फ़ायदा किस प्रकार आपका है, वहाँ से हर एक कैटेगरीज के अंदर इंडिविजुअल सभी सब्जेक्ट के टेस्ट आपको मिल जाएंगे साथियों। टेस्ट मिलने से आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, टॉपिक्स की, हर एक टॉपिक्स की जहाँ यहाँ आपको पढ़ाई जा रहे हैं उन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस वहाँ कर पाएंगे, और आपको इससे क्या होगी, मजबूती प्रदान होगी जो आप पढ़ रहे हैं करंट में। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे जोर दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप टेस्ट वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही रहेगा, आगे नहीं पढ़ने वाले हैं, चैप्टर यहाँ पर अपना ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जो कवर करने वाले हैं किसी नए अध्याय या किसी नए चैप्टर को अपन कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।